नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल, मैं हूं नैन्सी। आज मिड डे मील वर्कर्स द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है चौताला हाउस के सामने। अभी हम बात करेंगे लोगों से, इन लोगों का क्या कहना है धरना प्रदर्शन को लेकर, सरकार से इनकी क्या मांग। हट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदे हक ऐसे हक। मेरा नाम राजरानी है, क्या मांगे यहाँ। और मिड डे मील यूनियन की मैं जिला सचिव हूँ, और आज से हमको 4-5 साल हो गए, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आज से सरकार ने हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, जबकि इसी सरकार को कामयाब करने में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी महिलाओं ने इनको कामयाब कराया और हमारी तरफ देख नहीं रहे। तो हमारी मांगे ये हैं, एक तो मिड डे मील वर्कर को पक्का कराया जाए, मजदूरी का उनको दर्जा दिया जाए, और हटाई गई वर्कर को काम पे दोबारा लिया जाए। तो सुबह से जाके मिड डे मील वर्कर काम करती है, उसको मेहनताना मिलता है 2500 रुपये, वो भी 10 मीलें मिलता है, गर्मी की छुट्टियों का कोई पैसा नहीं मिलता। और ऊपर से ये काम जो है सरकार बढ़ा रही है, तो लेकिन मिड डे मील वर्कर को इसका मेहनताना बहुत कम है। हम यही सरकार से कहते हैं, बीजे सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस काम को एक दिन करके दिखा दे, तो हम जो है उसको मेहनताना जो है, हम साल का मेहनताना जो है, हम सारी मिड डे मील वर्कर ही जमा करा देंगे। हेलो, मेरा नाम अंचन है, मैं जिला प्रधान हूँ, और मैं मल्लिका में खाना बनाती हूँ, हाई स्कूल में खाना बनाती हूँ। सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है, हम बहुत सारा काम करते हैं पर हमें मेहनताना जो है पूरा नहीं मिल रहा। हम 2500 में काम करते हैं, सरकार अगर 80 रुपये में एक दिन में एक वर्कर को देते हैं तो वो भी हमारे पर एहसान करते हैं, वो हमें देख नहीं रहे भी हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। वो इस बात पर है कि इनको ऐसे ही रखा जाए, ये तो सिर्फ क्या सेवादार हैं। हम तो सेवादार माने जाते हैं, हमें तो माना ही नहीं जाता कर्मचारी। हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, बल्कि जब हम की मेहनत डबल कर रहे हैं और मेहनत हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हमारी बहनें हैं जो अनपढ़ है बेचारी, इनको पता ही नहीं है भी हमने किधर जाना किधर नहीं। सरकार जो है अनपढ़ता का ये फायदा उठा रही है इसका, सरकार है हमारे साथ अत्याचार कर रही है। यहाँ तक कि जो स्कूल में प्रिंसिपल है, मिडिल हेड है, वो भी हमसे अलग से काम करवाते हैं, और हमें मेहनत करना वो सरकार ही दे रही है। अब हमारा जो काम है दूध का, वो हमारे ऊपर और बोझ डाल दिया, तो हो सकता है कि हम पागलों की तरह तुड़े फिरते हैं सारा दिन, हमें पता ही नहीं हम किधर जाए किधर ना जाए। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें मेहनत करना पूरा दिया जाए, 18,000 हमारा वेतन है, वो हमें वेतन दिया जाए, जो हमारी मांग है। तो और हमें सर, आपका धरना कितना टाइम चलेगा? हमारा धरना लंबा चलेगा, जब तक वो ना माने कुछ भी। हाँ जी, हम घर नहीं देखेंगे, अब अपना स्कूल नहीं देखेंगे, यहाँ धरने पे ही रहेंगे। मिड डे मील वर्कर